नमस्कार, स्वागत है आपका जस्टिस फॉर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं आप लोग के सामने एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो भारतीय कानून में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और इनकी जानकारी होना भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में न्यायपालिका संविधान का एक अहम अंग है। यह नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा करने के साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह अंतिम प्राधिकरण होता है जहां पर नागरिक कानूनी मामलों में संवैधानिक व्यवस्था और लॉ के अंतर्गत न्याय पा सकते हैं। यह नागरिकों, राज्यों और अन्य पार्टियों के बीच विवादों पर कानून लागू करने और निर्णय लेने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जिला स्तर का न्यायालय, ये देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समान रूप से कार्य करती है। इस न्याय व्यवस्था में जिला स्तर पर न्याय देने का कार्य जज और मजिस्ट्रेट करते हैं। काफी लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, जबकि इन दोनों के अधिकार, इन दोनों के कार्य क्षेत्र, इन दोनों के जो पद के बीच का डिफरेंस होता है, ये बहुत ही ज्यादा अंतर होता है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। यहाँ पर हम इसी मैटर पर बात करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे, एक जज और मजिस्ट्रेट के बीच का अंतर क्या होता है, उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या होते हैं, उनके कार्यों को करने के बीच का अंतर क्या क्या होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जज और मजिस्ट्रेट की चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो संविधान के अनुसार भारतीय न्याय व्यवस्था में 3-लेयर कोर्ट सिस्टम चलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जिला जज बनने के लिए आपके पास लॉ में स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। इसके साथ ही आपके पास वकालत करने का 7 वर्ष का अनुभव होना भी जरूरी है, जिसके बाद आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा, जिला या अधीनस्थ न्यायालय की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जज की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, वहीं कोई भी छात्र लॉ की डिग्री लेने के बाद सीधे PCSJ यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस जुडिशियल के एग्ज़ाम में पास होकर मजिस्ट्रेट बन सकता है। एग्ज़ाम देकर मजिस्ट्रेट बनने वाले कुछ सालों तक सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट रहते हैं, फिर प्रमोट हो जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोर्ट में 2 तरह की मामले आते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से मामले आते हैं। मजिस्ट्रेट और जज में अंतर जानने से पहले यह जान लें कि न्याय के लिए 2 तरह के मामले होते हैं, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले। सिविल मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, वहीं दूसरे होते हैं क्रिमिनल मामले। हिंदी में इन्हें दांडिक मामले या फौजदारी मामले भी कह सकते हैं। ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें दंड की मांग की जाती है। अब बेसिक पॉइंट जो हमारा है, मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर है वो समझेंगे। मजिस्ट्रेट और जज में रैंक और अधिकार दोनों का अंतर होता है। एक मजिस्ट्रेट फांसी या उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकता है। मजिस्ट्रेट के लेवल में भी कई स्तर होते हैं। इनमें जो सबसे ऊपर का पद होता है वो होता है CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। महानगरों में इसे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। एक जिले में एक CJM होता है। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। यह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता है। यह भूमि के पंजीकरण, जोते गए खेतों के विभाजन, विवादों के निपटारे, दिवालिया जागीरों के प्रबंधन, कृषकों को ऋण देने और सूखा राहत के लिए भी जिम्मेदार होता है। जिले के अन्य सभी पदाधिकारी इसके अधीनस्थ होते हैं और
अपने अपने विभागों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी उसे उपलब्ध कराते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के कार्य भी इनको सौंपे जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते वह पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। CGM के ऊपर जज होते हैं। जज की रैंक में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और ADJ यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इस लेवल पर जब जज सिविल मामले देखते हैं तो उन्हें कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, लेकिन यही जज जब क्रिमिनल मामले देखते हैं तो उन्हें कहते हैं सेशन जज। जज एक ही होता है जो दोनों तरह की मामले की सुनवाई करता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब हम जानेंगे मजिस्ट्रेट के प्रकार और सजा देने के क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहला है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च पद होता है। जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियंत्रित करता है। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दे सकता। ये ऐसा दंड नहीं दे सकते जो 7 साल से ज़्यादा की कारावास की अवधि का है। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अब जो मजिस्ट्रेट हैं वो प्रथम श्रेणी में जो आते हैं, ये मजिस्ट्रेट किसी भी मामले को प्रारंभिक रूप से सुनते हैं। कोई भी मामला प्रारंभिक रूप से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है। यह कोर्ट भारतीय न्यायपालिका का अत्यंत अहम अंग है। यदि इनकी कोर्ट में किसी आरोपी पर दोष सिद्ध होता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरोपी को उस अपराध के अंतर्गत अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अधिक का कारावास और 10,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता है। अब पढ़ेंगे मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी में क्या होता है। इस पद से न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट का क्रम शुरू हो जाता है। सिविल से जुड़ा कोई भी मामला सबसे पहले इसी न्यायालय में आता है। आपराधिक मामलों में द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 साल से अधिक अवधि के कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या इन दोनों को एक साथ किसी भी सिद्ध दोषी को दे सकते हैं। अब है महानगर मजिस्ट्रेट। महानगर के लिए मजिस्ट्रेट जैसे पद रखे गए हैं। इन पदों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट को रखा गया है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियां प्राप्त है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्ति प्राप्त होती हैं जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। अब अंतिम है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसके अलावा राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार प्रत्येक जिले और महानगरों में जितने चाहे उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती हैं और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जजों का प्रकार और अधिकार। सबसे पहला है सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय अतिरिक्त और साथ ही सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकते हैं, लेकिन मौत की सजा दी जाती है तो इस सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि अनिवार्य है। अब है अंतिम अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश। ये उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये सेशन जज की अनुपस्थिति के मामले में हत्या, चोरी, डकैती, पिक पॉकेटिंग और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा को छोड़कर अन्य सजा को पारित कर सकता है। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होते हैं, दोनों के क्या पावर्स होते हैं, दोनों के क्या
कार्य होते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम इस प्रकार के वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।